वेलकम स्टूडेंट, लॉकडाउन की पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम प्लस टू हाई स्कूल डीमरा। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले हम बर्नौलीज थ्योरम को देखते हैं। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर ए हॉरिजॉन्टल पाइप द टू एंड्स आर एट द सेम लेवल सो देयर इज नो ग्रेविटेशनल हेड मीन्स लेवल डिफरेंस और एच इक्वल टू जीरो। अर्थात पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दस इफ पी इंक्रीजेज वी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अर्थात अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं बुनसन बर्नर। किसी भी बुनसन बर्नर में गैस जो है नोजल के बाहर से निकलता है यहाँ और काफ़ी तेज वेग से निकलता है हाई वेलोसिटी से। तो बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार वर्टिकल पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो घट जाएगा। तो एयर जो है चारों ओर का जो एयर है तो साइड होल से उसमें प्रवेश करेगा। दिस मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर। अब ये गैस ये जो निकल रहा है और एयर का जो मिक्स है वो ऊपर की ओर मूव करेगा जो टॉप पे जाके जलेगा बर्न करेगा। लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉइल। एयरफॉइल का शेप जो होता है इस प्रकार कि ये ऊपर की ओर थोड़ा सा स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है और नीचे की ओर कॉनकेव होता है। ऊपर की ओर हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप है अर्थात ये उत्तल शेप है। तो यहाँ पे जो एयर को है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ता है यहाँ की तुलना में। अर्थात यहाँ पे जो एयर का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगा अर्थात प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार अपर साइड में जो प्रेशर कम होगा उसकी वजह से क्या होगा उसमें एडिशनल थ्रस्ट होगा अर्थात वो ऊपर की ओर उठेगा। स्पिनिंग ऑफ ए बॉल मैग्नस इफेक्ट। व्हेन ए स्पिनिंग बॉल इज थ्रोन इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ इन फ्लाइट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। जब किसी भी बॉल को स्पिन करते हैं जैसे क्रिकेट बॉल ही होगी तो ये अपना जो पाथ है उस पाथ से थोड़ा सा वो डिविएट हो जाता है अर्थात उसमें विचलन हो जाता है। इसे हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये नॉर्मल बॉल है अगर ये सीधा जा रहा है तो इसके जो विपरीत है हवा का जो स्पीड है वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर इसमें स्पिन दे दिया जाए जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पिन दिया जा रहा है तो इसके नज़दीक में जो एयर पार्टिकल है इसके विपरीत दिशा में होंगे तो वहाँ पे एयर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉल इस तरह से स्पिन है तो यहाँ एयर पार्टिकल और बॉल का जो इस पोर्शन के निचला पोर्शन दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है मीन्स यहाँ पे एयर पार्टिकल का वेलोसिटी थोड़ा सा यहाँ पे घट जाएगा। इस जगह दोनों का सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे एयर पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाएगा अर्थात यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। तो प्रेशर यहाँ घट जाएगा तो हम जान रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। जब किसी बॉल को राइट की ओर हम स्पिन कर रहे हैं टॉप में हम देख रहे हैं कि एयर का जो वेलोसिटी है टॉप में कम हो रहा है और एयर का वेलोसिटी जो टॉप में बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है। इसके कारण क्या होगा एक फोर्स लगेगा जो उसका जो डायरेक्शन है लीनियर डायरेक्शन उस पर वो परपेंडिकुलर होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टू मूव द बॉल एलोंग ए कर्व पाथ। इस ये फोर्स जो है इसके वजह से एक सेंट्रिपेटल फोर्स बॉल पे लगेगा जो उसे कर्व पाथ पे मूव कराएगा। इस इफेक्ट को मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। एटोमाइजर और स्प्रेयर यह जो है बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। जब इसके रबर बैलून को जब हम प्रेस करते हैं तो इसे जो है एयर बाहर की ओर निकलता है जो उसके हॉरिजॉन्टल ट्यूब से निकलता है जिससे वहाँ का प्रेशर घट जाता है।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 से कम होता है जिस कंटेनर में है। एज अ रिजल्ट द लिक्विड राइजेज अप इन द पार्टिकल ट्यूब। लिक्विड जो है पार्टिकल ट्यूब में, यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कम हो जाएगा तो लिक्विड अपर की ओर मूव करेगा। व्हेन इट कोलाइड्स विद हाई स्पीड एयर इन ट्यूब बी इट ब्रेक्स अप इन टू ए फाइन स्प्रे। जब यही लिक्विड जो है, जो उसमें जो एयर है उससे वो कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो ये स्प्रे के रूप में ब्रेक्स अप हो जाएगा। टॉर्सली लॉस स्पीड ऑफ एफ्लक्स से हम देख रहे हैं कि कंटेनर या पात्र जो भी है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं एक ओरिफिस, ये एक स्मॉल होल है जिससे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी भी है, पॉइंट ई और बी। तो कंसिडर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन ए टैंक अप टू लेवल ए। उस लेवल ए तक जो है लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है, एक छोटा सा होल है इसके इंच गहराई पे, और यहाँ पे ये सरफेस बी पे है। लेट द लिक्विड कम्स आउट विद द होल, कम्स आउट ऑफ द होल विद स्पीड भी। इस स्पीड को हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए इज कंसिडर्ड जीरो। यहाँ पे जो लिक्विड का वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो जीरो है, लिक्विड इस पॉइंट पे लगभग स्थिर होता है। द प्रेशर एट ए एंड बी इज इक्वल टू पी, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एट पॉइंट ए P1 इक्वल टू पी, V1 इक्वल टू जीरो एंड H1 इक्वल टू एच। पॉइंट ई पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो है, वेलोसिटी जीरो है और H1 जो है एच है। एट पॉइंट बी P2 इक्वल टू पी, V2 इक्वल टू वी एंड एच इक्वल टू जीरो यूजिंग बर्नौलीज़ थ्योरम। P1 अपन रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपन रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर वी है। इस समीकरण में ये सब मान जो है P1 V1 और H1 का, तो P2 V2 H2 का मान पुट करते हैं तो P/rho प्लस GH प्लस P1 जीरो, तो ये जीरो हो गया, प्लस दिस विल बी इक्वल टू P/rho प्लस जीरो प्लस हाफ वी स्क्वायर और हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू GH, ये और ये कट जाएगा, तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू GH और B इक्वल टू अंडर रूट ओवर 2GH। तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने में ये हेल्पफुल होता है। पेंचुरीमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। ये एक डिवाइस है जो लिक्विड के फ्लो को पाइप के द्वारा जो है उसका रेट जो फ्लो रेट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल कोएक्सियल ट्यूब ई एंड सी। यहाँ हम देख रहे हैं दो एक समान जो कोएक्सियल ट्यूब जो है उससे ये बना हुआ होता है जो ई और सी है। टू वर्टिकल ट्यूब्स डी एंड ई आर माउंटेड ऑन ट्यूब ई एंड बी टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। दो वर्टिकल ट्यूब जो है हम देख रहे हैं डी और ई जो है ई और बी पे है, ताकि इस जगह जो फ्लोइंग फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको मापा जा सके। लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ई एंड बी रिस्पेक्टिवली। ट्यूब ए और E1 सॉरी ट्यूब ए और बी का जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल E1 और E2 मान लिया। V1 एंड V2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी से जो लिक्विड फ्लो हो रहे हैं उसके वेलोसिटी V1 और V2 है। P1 एंड P2 लिक्विड प्रेशर एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। P1 और P2 जो है ए और बी पे लिक्विड का प्रेशर है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच या एच रो जी, तो वेर रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इक्वेशन 1, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड या लिक्विड। फ्रॉम बर्नौलीज़ थ्योरम द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 H रो G इक्वल टू हाफ रो
वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो हाफ रो वी टू वी टू। तो हम जानते हैं ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो उस समीकरण से वी टू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हम देख रहे हैं वी इक्वल टू ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा वी बटा ए वन एंड वी टू इक्वल टू वी बटा ए टू वेयर वी इज वेयर वी इज वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकेंड। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर, देयर फोर वी स्क्वायर इक्वल टू ये टू इधर जाएगा तो टू ए वन ए टू ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ये निकलेगा ये बाहर एल सी एम के ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर एच जी डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। तो और वी इक्वल टू ए वन ए टू अंडर रूट ओवर टू एच जी डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। थैंक यू।